दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ फिल्मी दुनिया का एक जाने माने हस्ती कलाकार, जिनके बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं आज हम लोग मिथुन चक्रवर्ती का, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। 90 का एक ऐसा दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती पूरे थिएटर्स में छाए हुए थे। उनका तमाशा देखकर लोग हैरान हो जाते थे। सुपरस्टार का नाम यदि कहा जाता था तो वो सिर्फ दादा का नाम लिया जाता था, जो मिथुन चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध थे। मार पिटान इस तरीके की बातें की जाती थी और अजीबोगरीब फिल्मों के बारे में जो कहा जाता था वो इनके बारे में कहा जाता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन साहब के फिल्मों के बारे में। गूगल के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने करीब 270 फिल्मों में काम किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 270 फिल्मों में से 180 फिल्में पूरी की पूरी तरह फ्लॉप रही। और उनका स्टारडम आप देखिए, उनका आइटम सॉन्ग इस तरीके से होता था कि हर फिल्म में आपको एक नई हीरोइन मिलेगी। आप उनके हीरोइनों पर लिस्ट खोजेंगे तो शायद 270 से भी पार हो जाएंगे। फिल्में तो 270 की थी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और लगभग जो हिट फिल्मों की बातें करते हैं उनके आंकड़े नहीं होंगे 50। चलिए ये तो मान के चले कि अर्धशतक उन्होंने मार दिया था, भले ही दोहरा शतक के दौर का फिल्में बनाए, पर यह तो नकारा नहीं जा सकता कि एक बहुत बड़े स्टार उस जमाने के नहीं थे, क्योंकि कोई स्टार ही नहीं थे उनके अलावा, इसलिए वो बहुत बड़े स्टार थे, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर, मिथुन चक्रवर्ती साहब अपने फिल्मी करियर साल 1976 में आई फिल्म ब्रिगिया से शुरू करते हैं और फिल्म 2022 में उनकी द कश्मीर फाइल्स तक जारी रहता है सफर। और आजकल इन दिनों वो आपको दिख जाएंगे टीवी शो में, जहां पर वो बैठ के चेयर पे, अरे वाह भाई वाह 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 दादा। ये है उनकी फिल्मी करियर का सफरनामा। और आज के एपिसोड में ये देखने को मिला आपको मिथुन चक्रवर्ती दादा के बारे में। अगले एपिसोड में ऐसा ही दोहरा 13 शतक और किसी चौथे शतक मारने वाले सुपरस्टार को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।